हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इफेक्टिव टोमेटो फेशियल, जिससे कि आप बहुत ही इजीली घर पर कर सकते हो। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं आपको सारे अपने किचन में अवेलेबल मिल जाएंगे एंड सारे इंग्रेडिएंट आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगे। सो गाइस, वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आप लोग ये वाला टोमेटो फेशियल ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे करना है टोमेटो फेशियल एंड ये मोस्ट इफेक्टिव फेशियल है, इसका इफेक्ट आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, टोमेटो फेशियल के लिए सबसे पहले हमें 2 फ्रेश टोमेटो चाहिए, उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस, टोमेटो फेशियल को स्टार्ट करते हैं क्लिंजर से। सो क्लिंजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ टोमेटो लिया है एंड 1 स्पून रॉ मिल्क लिया, यानी कि कच्चा दूध। कच्चे दूध में हमें टोमेटो के जूस को निकालना है और इसे अच्छे से ऐड कर लेना है। हमारा क्लिंजर प्रिपेयर हो गया है। इसके बाद हमें इसे कॉटन की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई करना है अच्छे से। आप नेक एरिया में भी इसको अप्लाई कर लीजिए। क्लिंजिंग करने से हमारे फेस का डर्ट एंड ऑयल रिमूव होता है, हमारा फेस पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। इससे हमारा फेशियल काफ़ी अच्छे से होता है। सो अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद 5 to 10 मिनट में फेस को नॉर्मल वाटर से अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। सेकेंड स्टेप हमारा स्क्रब का है। सो स्क्रब बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 टोमेटो को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया अच्छे से। सो चलिए स्क्रब बनाते हैं। अब 1 स्पून टोमेटो प्यूरी मैंने ले लिया है एंड उसके बाद हमें हनी चाहिए, आप 1 टीस्पून ले सकते हो हनी। उसके बाद हमें 2 स्पून चाहिए शुगर, यानी कि चीनी, एंड इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा स्क्रब तैयार हो गया है। सो 10 मिनट हो गए थे क्लिंजिंग को। सो क्लिंजिंग के बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप लोग देख सकते हो कि फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है मेरा। डर्ट एंड ऑयल जो भी था वो रिमूव हो चुका है। सो चलिए अब सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं। सो सेकेंड स्टेप हमारा फेस पे स्क्रब करना है। स्क्रब को अप्लाई करने के बाद फेस एंड नेक एरिया में अच्छे से मसाजिंग करनी है 2 से 3 मिनट। शुगर एंड हनी का यूज़ किया है। हनी एंड शुगर दोनों ही हमारे स्किन को काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं, हमारे स्किन से इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करते हैं एंड हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करता है एंड स्किन को ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है। सो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मसाजिंग कर ली थी। सो मेरे फेस से जो भी डेड सेल्स से रिमूव हो गए हैं। सो स्क्रब करने के बाद मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है और आप लोग देख सकते हो कि स्किन मेरी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है स्क्रब करने के बाद। सो मैंने टोमेटो प्यूरी लिया है 2 स्पून, उसके बाद हमें लेमन चाहिए एंड ये सैंडलवुड पाउडर है, आप मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हो फेस पैक बनाने के लिए। सो मैंने सबसे पहले टोमेटो प्यूरी ले लिया है, उसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। लेमन जूस ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है सैंडलवुड पाउडर 1 स्पून। सो इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा फेस पैक तैयार हो जाएगा। काफ़ी अच्छा फेस पैक है ये, आप ये वाला फेशियल ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इंस्टेंट ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो हमें अपने फेस पैक को अप्लाई करना है फेस पे। सो हमने जो फेस पैक बनाया था उसी फेस पैक को अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। फेस पे अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हमें नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेना है। सो 15 मिनट में मेरा ये फेस पैक ड्राई हो गया था, मैं इसे वॉश कर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर की हेल्प से एंड मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग एंड ब्राइट दिख रही थी। सो लास्ट में हमें अपने फेस पे रोज़ वाटर एंड मॉइस्चराइज़र मिक्स करके अप्लाई करना है, पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। सो ये वाला फेशियल आप वीक में 1 टाइम कर सकते हो। आपकी फेस पे अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, डार्क स्पॉट हो गए हैं, सो वो सब दूर हो जाएंगे, आप ये वाला फेशियल ज़रूर ट्राई करिएगा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस।